अंदामा के दीपक चौरसिया हत्याकांड मामले की अगर बात करें तो 7 जनवरी को जो उनकी हत्या हुई थी उसके बाद उनके घर जो अपराधी हैं उनके घर कर कुर्की जब्दी हुई। खासकर बता दें कि उसके बाद लगातार जो दरभंगा के SSP बाबूराम हैं वो लगातार छापेमारी कर रहे थे अपराधियों की धरपकड़ के लिए। ऐसे में मामला सामने आया कि कुछ अपराधी मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और कुछ स्थानीय हैं, ऐसा मामला सामने आया था। और सबसे बड़ी बात बता दें कि लगातार जब छापेमारी की गई जो कुछ अपराधी थे जो पकड़े गए उन्होंने ये खुलासा किया था कि स्थानीय मुखिया जो खासकर स्थानीय मुखिया ये है कि पतोर पंचायत के जो मुखिया हैं अवनीश मिश्रा उनका नाम उन्होंने लिया था। उनका नाम उन्होंने जो अपराधी हैं वो इस तरह लिए थे कि जो मुखिया हैं उनके घर वो गए थे और भोज खाए थे, वहाँ बैठे थे, इस तरह का उन्होंने दरभंगा के SSP बाबूराम को बताया। इसी आधार पर जो मुखिया हैं उनको गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। उसके एक दिन बाद दरभंगा के पतोर थाना की अगर बात करें, हायाघाट के पतोर थाना की अगर बात करें तो यहाँ पर सुबह सुबह लगभग 10 बजे के करीब 9 और 10 बजे के बीच में ग्रामीण लगभग 200 के बीच जो ग्रामीण हैं वो आ जाते हैं और सड़क को जाम कर देते हैं, थाना का घेराव करते हैं, पदाधिकारी का भी घेराव करते हैं। सामने दृश्य देख सकते हैं, आक्रोशित भीड़ है। सिर्फ एक ही नारा लगाया जा रहा है कि मेरे जो मुखिया हैं जो यहाँ पर उनका कोई रोल नहीं है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें जल्द से जल्द अविलंब छोड़ा जाए। सिर्फ ग्रामीणों का एक ही मकसद था, एक ही नारा था और इसलिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। जो ग्रामीण हैं उनसे हमने बात किया है वो हम आपको सुनाएंगे इस पूरे कवरेज में। खासकर आपको बता दें कि जो प्रशासनिक बाइट होता है, प्रशासनिक जो यहाँ पर जानकारी होती है वो इसमें नहीं है, क्योंकि खासकर आपको बता दें कि DSP अनुज कुमार वहाँ मौजूद थे, सूत्र बता रहे थे। शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। एक ही जो लोगों का जो मानना था, एक ही मांग था कि हमारे मुखिया अवनीश मिश्रा स्वच्छ यहाँ पर जो विचार के हैं उनको जल्द से जल्द अविलंब छोड़ा जाए। अब आगे की कार्रवाई ये होगी कि जो SSP बाबूराम है उन्होंने किस आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया उनके पुलिस प्रशासन ने और किस आधार पर ये जांच प्रक्रिया चलेगी ये देखने की बात होगी। इसके आगे हम आपको कृपा शंकर जी का इंटरव्यू सुनाते हैं जो गांव के रहने वाले हैं, ग्रामीण हैं। उसके बाद विभिन्न लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं, खासकर जाम क्यों किया गया है, थाना का घेराव क्यों किया गया है, ये पूरा मामला हम आपको इसी कवरेज में सुनाने वाले हैं। शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। शाम तक एक बड़ी खबर आई थी ग्रामीणों के लिए कि ग्रामीणों के लिए जो ग्रामीणों ने घेराव किया था उसका एक हल निकाला गया और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा था कि जो DSP है उनके बाद सूत्र बता रहे हैं कि जो ये हम पुष्टि नहीं करते हैं लेकिन सूत्र के आधार पर ये हम बता रहे हैं कि DSP अनुज कुमार के आने के बाद गांव वालों के बीच कुछ बातें हुई, वो इसमें से कुछ गांव वाले वहां गए, उसके बाद उन्होंने अपना बयान दिया, उसके बाद मुखिया को रिलीज किया गया, इस तरह का कहानी सामने आ रहा है। अब आगे देखते हैं क्या मामला है, फिर नए कवरेज के साथ जरूर आएंगे, इसी मामले पर बने रहेंगे। देखिए पूरा कवरेज। मेरा दरभंगा कमिश्नरी में मैंने मुखिया का जवाब नहीं, आज तक उसके दामन में दाग नहीं लगा, कभी नहीं, कोई दाग नहीं है ना, बैठे आज तक मैंने हमने मुखिया के दामन में दाग नहीं लगा। किस आधार पर हिसाब उठाए, उठाने से पहले सूचित किया, वो मुखिया आया था यहाँ पर चाय के दुकान पर बैठा था, उसको बुला के वो ले गए अंदर, मुखिया जी जरा 2 मिनट, अब वो बयान देते हैं जो 15 तरह से उठाए हैं, जिस दिन की घटना दिया जा रहा है उस दिन मुखिया के माता लाभ का द्वारा कर उठा, उसमें विधायक मंत्री सब लोग इन्वाइट थे और दरोगा जी 60 उस टेबल पर बैठ के खाए हैं। अवनीश मुखिया बिता गया और दरोगा जी 18 जारी कर रहे हैं, क्यों? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम हुआ कृपा शंकर। घर कौन सा? घर लक्ष्मीपुर पतो। देखिए थाना का घेराव जो किया गया है हम ग्रामीणों के द्वारा, उसमें सबसे जो बड़ी अजीब सी बात यह है कि मैंने आज तक बिहार पुलिस के इतिहास में इस तरह की कोई घटना नहीं देखी। ठीक है, जैसा यहाँ के लोगों के द्वारा जो जानकारी है उसके हिसाब से हमारे पतोर ग्राम के जो मुखिया श्री अवनीश मिश्रा जी के बारे में जो कुछ भी बोला जा रहा है, क्या एक क्रिमिनल के बयान की इतनी क्रेडिबिलिटी हो गई कि उसके आधार पे बिना सूचना दिए हुए ग्राम प्रधान को उठा के 24 घंटे के अंदर हमारे SP साहब कहते हैं कि हमने उनको अरेस्ट कर लिया है और अकोमोडेशन देने के अधिकार में, उस दिन उनके यहाँ भोज था, 1,000-5,000 लोग वहां पे आके खाए थे, कौन क्या था इसकी जिम्मेवारी हम लोगों की नहीं होती, अगर वहां पे कोई आया या गया तो यहाँ पे जो प्रशासन था वो क्या कर रहा था, वो लोग भी तो यहाँ पे उनके साथ खड़ा ही खड़ा था। तो अगर हमारे मुखिया जी दोषी हैं उसमें तो पहले हमारे गांव के जो थानाध्यक्ष हैं, पतोरोपी के जो थानाध्यक्ष हैं गोस्वामी जी, वो भी वहां पे बैठे हुए थे, यहाँ पे
पे सारे ग्रामीण आप पूछ सकते हैं यहाँ पे थे कि नहीं थे जी। अगर हमारे ग्राम प्रधान अगर अभियोगी बनते हैं जिसकी सूचना तक हम लोगों को नहीं दी गई और उनकी गिरफ्तारी के बारे में स्थानीय मुखिया आप नाम लीजिए ना, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, कहाँ रखा गया है, उनके साथ कोई अकरेंस हो सकता है, तो हम लोगों की डिमांड है कि हमारे मुखिया जी को अविलंब जहाँ से उठाया गया वहाँ से वहाँ पे वापस छोड़ा जाए सम्मान सहित, और जो कुकृत्य आप लोगों ने किया है उसके लिए ऑनलाइन माफी मांगे कि ये नहीं तो तब तक हमारे ग्रामीण हमारे समाज के लोग यहाँ से उठ के जाने वाले नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था इसी को लेकर, तो मीडिया के जो लोग थे उन्होंने रिपीट भी किया, क्या अविनाश जो है मुखिया उनको गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने कहा कि हाँ इस तरह से उन्होंने कहा। तो आप लोगों की मांग क्या अभी इस वक्त, मांग क्या आप लोग? उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जैसे मीडिया से हम लोगों को भी सूचना मिली, हम लोगों को तो पहले जानकारी ही नहीं थी कि हमारे मुखिया जी को कहां लेके जाया गया, क्योंकि उसकी कोई सूचना नहीं दी गई। इस तरह से पुलिस काम नहीं करती, ये तो एक क्रिमिनल का काम है कि आप मतलब उठा के अरेस्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, आप किडनैपिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आप अरेस्ट नहीं कर रहे, आप किडनैपिंग कर रहे हैं। आप लेके गए हैं तो उसकी सूचना ग्राम प्रधान को दी, ग्राम प्रधान के घर वालों को दिया जाना चाहिए था। दूसरा, इतनी जल्दी क्या थी कि उनको उठाने के एक घंटे के अंदर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी गिरफ्तारी डिक्लेयर कर दी बिना अनुसंधान के? ठीक है, अगर एक क्रिमिनल बोलता है कोई कहीं का, जबकि हम लोग जानते तक नहीं, हम लोगों का कोई लेना देना उस व्यक्ति से नहीं है, उस दिन ग्राम में भोज था, कौन आदमी किस तरीका है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी माता की मृत्यु हुई थी, अब एक क्रिमिनल की क्रेडिबिलिटी के आधार पे आप हमारे मुखिया, हम लोगों की स्पष्ट मांग है कि श्री अविनाश कुमार जी जो हमारे मुखिया जी हैं पतोर ग्राम के, उनका जो चरित्र है वो किसी से छिपा नहीं हुआ है, उनको सम्मान जहां से उठाया गया वहां पे उनको पहुंचाया जाए, और इस काम को करने के लिए जो उनको उठा के ले गए हैं प्रशासन माफी मांगे, और जब तक वो ऐसा नहीं करती हम लोग नहीं जाएंगे। प्रशासन हम लोगों की बात नहीं सुनती है, अगर हमारे मुखिया जी दो घंटे के अंदर हम लोगों के यहाँ नहीं पहुँचते हैं तो फिर हम लोग विधि सम्मत तौर पे आगे भी एसपी ऑफिस, एसपी साहब के ऑफिस का घेराव करेंगे, कोर्ट जाएंगे, और जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे हम लोग सब पे मुकदमा करेंगे और किसी का निकल आफत कर देंगे, हम घेराव करेंगे। सर रात में जो घटना हुई है किसी ग्रामीण को कोई जानकारी नहीं, हमारे जो सम्मानित जनप्रतिनिधि मुखिया जी हैं आप पता कर लीजिए, बिहार लेवल पर दरभंगा जिला लेवल पर इन्होंने राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं, बीडीओ जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं सभी से पता कर लीजिए जो मुखिया जी के कितने कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार और जनता के दुख सुख में साथ रहने वाले हैं। एक भी आपराधिक मुकदमा अगर उनपे हो, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, तब आप उनके यहाँ माता जी का श्राद्ध होता है। अब हम भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, कोई भी हो, उन खाने के लिए विभिन्न तरह के लोग आए, कई माननीय विधायक, कई माननीय विधान पार्षद, कई सब आए, उसी में कोई अगर आ गया किसी को कोई नहीं देखा, इससे आप इस दोष को निरूपित नहीं कर सकते हैं जो इन्होंने दोषी है। उनके यहाँ बहुत तरह का लोग आया, क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें, क्या बोलना हम लोग कहना चाहते हैं जो मुखिया जी को न्याय संगत तरीके से बाइज्जत सम्मानजनक तरीके से उनको रिहा किया जाए, हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, अन्यथा अगर इस मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग थाना घेराव के साथ साथ एसपी कार्यालय घेराव प्लस अगर जरूरत पड़ी तो हम सभी ग्रामीण में से 50 आदमी एक साथ आत्मदाह तक करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ मिश्रा। घर पतो प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, को रिहा करो, न्याय को विलंब रिहा करो, ईमानदार मुखिया जी को रिहा करो।